लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर बायोजीनियस एग्जाम एक्सेलरेटर प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। काफी सारे यूसेक 2024 के एस्पिरेंट्स के क्वेरीज आ रही थी कि 2015 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करें इस सीरीज में। तो आज वीडियो के सेशन 8 में यूसेट 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन के हम पेपर सेकेंड को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। लाइफ साइंस पेपर सेकेंड को पेपर सेकंड में इस वक्त 50 क्वेश्चंस थे और वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हमने आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, उनको शॉर्ट लिस्ट करके 35 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो यूसेट 2015 लाइफ साइंस पेपर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेशन 8 यूसेट 2015 पेपर सेकंड कि हमने जैसे बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और इस वाली वीडियो सीरीज में सेशन 8 में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए हम क्वेश्चंस के केवल क्वेश्चंस का जो एक्यूरेट आंसर है वो बताएंगे और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोगों को एक आइडिया इस पेपर से मिल जाएगा और हम लोग इस सीरीज में केवल क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताएंगे ताकि इस वीडियो के बाद पेपर थर्ड जो 2015 यूसेट का लाइफ साइंस का है उसको भी हम सॉल्व करके आपके लिए लेकर के आए। तो पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन है डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी रिलेशनशिप वाज पुट फॉरवर्ड बाय ईपी ओडम, हचिनसन, मैकफेडेन और अर्नस्ट हेकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हचिनसन। हचिनसन ने डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी रिलेशनशिप को जो है एक तरह से एस्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है ट्रांसवर बाइनरी फ्यूजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि ये डिवीजन का एक फॉर्म है ट्रांसवर बाइनरी फ्यूजन, किसमें ये मिलता है, युग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पैरामीशियम। इनमें ट्रांसवर बाइनरी फ्यूजन एक रिप्रोडक्शन का एक विशेषता है। Which of these ecosystem has the lowest net primary production per square meter? यानी कौन सा ecosystem का टाइप है जिसमें per square meter में lowest net primary productions देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओपन ocean. अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व्स डिफर फ्रॉम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिकॉज इन द फॉर्मर, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से किस प्रकार से अलग है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, प्लांट्स आर पेड ग्रेटर अटेंशन देन द एनिमल्स, पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व्ड हेयर। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क से इसलिए अलग है कि बायोस्फीयर रिजर्व में ऑप्शन सी पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं लोग जो होते हैं इसका एक हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में इनमें से क्या ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म और एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, ये जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ रॉक एंड फॉसिल्स इज एस्टिमेटेड बाय रेशियो ऑफ, यानी कि जो फॉसिल्स और रॉक्स होती हैं उनकी एज को एस्टिमेट किया जाता है किसके रेशियो से, ऑप्शन ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यूरेनियम एंड लेड, रेडियो एक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी यूरेनियम एंड लेड, इसके जो है रेशियो से रॉक एंड फॉसिल की जो एज है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉसिल इन विच ऑर्गेनिक मटीरियल्स आर रिप्लेस्ड बाई मिनरल मैटर एंड मे शो इवन सेल्यूलर डिटेल्स, यानी कि वो फॉसिल्स जिनमें ऑर्गेनिक मटीरियल जो होते हैं वो मिनरल मैटर के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं और इनमें सेल्यूलर डिटेल्स भी देखने को मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं, कंप्रेशंस, इनक्रस्टेशंस, पेट्रिफिकेशन, मोल्ड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इस प्रकार के फॉसिल को पेट्रिफिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
फोर लिम्स इन हॉर्स बैट एंड ह्यूमन बीइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो हॉर्स बैट एंड ह्यूमन में जो फोर लिम्स होते हैं वह किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सेलेक्टिव इवोल्यूशन, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होते हैं, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लिम्स होते हैं हॉर्स के, फोर लिम्स बैट एंड ह्यूमन बींग के, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक तरह से एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस अकर इन द रैंडम मैनर, यानी कौन सी इवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं जो रैंडम मैनर में पाई जाती हैं? म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, स्पेसिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो चार यहां पर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इवोल्यूशनरी प्रोसेस रैंडम मैनर में होती है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि म्यूटेशन एंड नेचुरल सेलेक्शन। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, स्पेसिएशन। ऑप्शन सी म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट म्यूटेशन जो है और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये दोनों इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं जो रैंडम मैनर में पाई जाती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था जहां पर जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यूकैरियोटिक जीन मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली व्हेन क्लोन्ड इनटू बैक्टीरिया बिकॉज, यानी यूकैरियोटिक जीन को अगर हम बैक्टीरिया में क्लोन करेंगे तो वह हो सकती है कि प्रॉपर फंक्शन ना करे, क्योंकि इनेबिलिटी टू एक्साइज इंट्रॉन्स, यानी कि वहां पर इंट्रॉन की एक्साइजन नहीं होती है, डिस्ट्रक्शन बाय नेटिव एंडोन्यूक्लिएज, फेलियर ऑफ प्रोमोटर टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी रीजन की वजह से, इनेबिलिटी टू एक्साइज इंट्रॉन्स, डिस्ट्रक्शन बाय नेटिव एंडोन्यूक्लिएज, फेलियर ऑफ प्रोमोटर टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, इन सभी रीजन की वजह से जो यूकैरियोटिक जीन है वो बैक्टीरिया में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेफर्ड वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग जीन्स टू नर्व सेल्स, यानी इन चार में से कौन सा जो है प्रेफर्ड वेक्टर है जिसका यूज जो है ट्रांसफरिंग जीन टू नर्व सेल्स, नर्व सेल्स में जीन को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? एडिनो एसोसिएटेड वायरल वेक्टर, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरल वेक्टर, रिट्रो वायरल वेक्टर, या वैक्सीनिया वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरल वेक्टर का जो इस्तेमाल नर्व सेल में जीन्स की ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन द डेयरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड एज द मेन प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया, होमोफर्मेंटिक बैक्टीरिया, लिपोलाइटिक बैक्टीरिया, या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, होमोफर्मेंटिक बैक्टीरिया। ये डेयरी इंडस्ट्री में लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में एक मेन रोल प्ले करता है, होमोफर्मेंटिक बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एस डी एस पी ए जी ई डज नॉट इन्वॉल्व, यानी ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है, एस डी एस पी ए जी डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं है? सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट, यानी कि प्रोटीन का सेपरेशन मॉलिकुलर वेट वेट के अकॉर्डिंग, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विद हीट एंड केमिकल्स, एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड टू प्रोटीन, क्रिएटिंग अ टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो एस डी एस पी ए जी में सेपरेशन होता है प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विद हीट एंड केमिकल्स भी इन्वॉल्व होता है, एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रोटीन्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही होगा, जहां पर है क्रिएटिंग अ टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टी फोर पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इज यूज फॉर, एक एंजाइम है टी फोर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस एंजाइम का इस्तेमाल कहां पर होता है? रिमूव फाइव प्राइम फॉस्फेट्स फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए, ट्रांसफर्स टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू फाइव प्राइम ओएच ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ होमोपॉलीमर टेल एट द थ्री प्राइम एंड ऑफ डीएनए, या निक ट्रांसलेशन। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ट्रांसफर्स टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू फाइव प्राइम ओएच ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप, एक ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप है इन ऑप्शंस में से, विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज,
चार यहां पर ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप्स दी गई हैं, तीन इनफैक्ट, चौथा है नन ऑफ दीज। इन तीन में से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका डेवलपिंग कंट्रीज में नाइट ब्लाइंडनेस को एक तरह से रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? स्टर्लिंग मेज, बीटी सोयाबीन, गोल्डन राइस या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का इस्तेमाल जो है नाइट ब्लाइंडनेस को, नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर लेमिना प्रेजेंट टुवर्ड द इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनवलप इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियर लेमिना, ये जो न्यूक्लियर एनवलप की इनर साइड होती है वहां पर प्रेजेंट होती है, तो ये न्यूक्लियर लेमिना किस मटेरियल की बनी होती है? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये मेम्ब्रेनस एग्रीगेट्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अगला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन वाला है। असर्शन है, फोटोकेमिकल स्मॉग रिड्यूसेस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और रीजन है, फोटोकेमिकल स्मॉग डैमेजेस माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है कि बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी, ए यानी जो असर्शन है वो ट्रू है बट आर जो रीजन है वो फॉल्स है, और ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स है और आर रीजन ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी असर्शन जो यहां पर दिया हुआ है कि फोटोकेमिकल स्मॉग रिड्यूस कर देते हैं फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये तो ट्रू है बट फोटोकेमिकल स्मॉग माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं, ये जो रीजन है ये रॉन्ग है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला अगेन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट आर गिवन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, यानी कि जिन पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनमें इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं। रीजन है, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हैज एंटीजेंस विच स्टिमुलेट द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द रेसिपियंट। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड आर जो है रीजन जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू है, एसर्शन और रीजन जो दोनों ही स्टेटमेंट है दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि जो जिन पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उनको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, असर्शन भी ट्रू है और रीजन, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू जो होते हैं उनके पास एंटीजेंस होते हैं विच स्टिमुलेट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द रेसिपियंट, ये भी ट्रू है। तो ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगेन असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड। डाइजॉक्सिन इज एन इंपॉर्टेंट ड्रग विच वर्क ऑन हार्ट। रीजन है, डाइजॉक्सिन इज अ ग्लाइकोसाइड। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, और ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। डाइजॉक्सिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हार्ट पेशेंट के लिए इस्तेमाल होती है और डाइजॉक्सिन एक ग्लाइकोसाइड है, ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द जायंट क्रोमोजोम्स इन यूनिसेलुलर एल्गी एसेटाबुलेरिया वर डिस्कवर्ड बाय, यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी एसेटाबुलेरिया में जायंट क्रोमोजोम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? स्प्रिंग के द्वारा, नॉर्टन के द्वारा, हॉफमीस्टर के द्वारा या फ्लेमिंग के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉफमीस्टर, इसके द्वारा एसेटाबुलेरिया में जायंट क्रोमोजोम डिस्कवर किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डीनेचुरेशन ऑफ डबल हेलिकल डीएनए? डबल हेलिकल डीएनए के डीनेचुरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जीसी रिच डीएनए मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन एटी रिच डीएनए। जीसी मींस गुआनिन एंड साइटोसिन, एटी मतलब एडिनिन एंड थाइमिन। ऑप्शन बी, डीनेचुरेशन इज अकंपनीड बाय एन इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय डीएनए। वंस डीनेचर्ड डीएनए स्ट्रैंड्स कैन नॉट एनील, न्यूक्लिक एसिड बैकबोन एब्जॉर्ब्स लाइट इन द यूवी रीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये डबल हेलिकल डीएनए के डिनेचुरेशन के लिए ट्रू है। डिनेचुरेशन इज एकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द टीएटीए बॉक्स या टाटा बॉक्स इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ अ जीन आर नोन एज, यानी जीन के प्रोमोटर रीजन पर टाटा बॉक्स यानी थाइमिन एडिनिन रिच जो एरिया होता है टाटा बॉक्स उस पर बाइंड होने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, एनहेंसर और को एक्टिवेटर। तो ऐसी प्रोटीन्स को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो टाटा बॉक्स पर प्रोमोटर रीजन पर जुड़ती है। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इज द राइट आंसर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आर फाउंड मेनली इन, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी बॉडीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनर्जिन सिनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स सिंथेसाइज्ड इन द एड्रिनल ग्लैंड्स, दे आर जनरली फाउंड, यानी कि एड्रेनर्जिन सिनेप्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड में सिंथेसाइज होते हैं। ये एड्रेनर्जिन जो है सिनेप्स ये मेनली कहां पर पाए जाते हैं? एट द जंक्शन बिटवीन नर्व्स एंड स्मूथ मसल्स, एट द जंक्शन बिटवीन नर्व्स एंड स्केलेटल मसल्स, एट द नर्व जंक्शन ऑफ ब्रेन ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये जो सिनेप्स है ये पाए जाते हैं एट द जंक्शन बिटवीन नर्व एंड स्मूथ मसल्स। अगला क्वेश्चन है, पॉलिन ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनिया आर फाउंड इन, यानी पॉलिन जो है ग्रुप्ड फॉर्म में पॉलिनिया फॉर्म में किसमें पाए जाते हैं? ग्रासेस में, ऑर्किड्स में, कॉनिफर्स में या कैक्टाई में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, यानी ह्यूमन स्पर्म में कितने सेक्स क्रोमोजोम होंगे? तो बहुत छोटा, बड़ा सिंपल और ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वन। एक जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22+1, एक उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इन ह्यूमंस कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी इज सीन इन, ह्यूमन में कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी कौन से ऑर्गन में देखने को मिलेगी? हार्ट में, ब्रेन में, लिवर में या किडनीज में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, किडनीज। किडनीज में कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर जो है एक पेयर दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है, उसके लिए आगे उसका जो है डेफिनेशन है, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? क्रिप्टोक्रोम, इसके आगे रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम, हिग्मोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट, जियोटेक्सिस, स्टिमुलस इज केमिकल सबस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये करेक्टली मैच है। हिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आने पर किसी भी टेंड्रिल्स का मूवमेंट होना हिग्मोट्रोपिज्म, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ये क्वेश्चन भी पिछले कुछ वीडियोज में डिस्कस हुआ था प्लांट फिजियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज, यानी कि न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन के इफ्लक्स से शुरू होता है, टर्मिनेटेड बाय इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन के इफ्लक्स से टर्मिनेट होता है, इनिशिएटेड बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन के इफ्लक्स से इनिशिएट होता है, या टर्मिनेटेड बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में टर्मिनेट हो जाता है बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ एटीपी फॉर मसल कंट्रैक्शन, यानी मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपी का सोर्स क्या है? चार यहां पर ऑप्शन दिए हैं, चार चॉइसेस हैं, इन चार में से बताना है कि कौन कौन से जो है यहां पर मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपी का सोर्स के रूप में काम करते हैं। क्रिएटिन फॉस्फेट बी है, या सेकेंड है ग्लाइकोलिसिस, थर्ड है एसिटिलकोलाइन और फोर्थ है एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो चार ऑप्शन है ए, बी एंड सी एंड डी, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट जो है सही है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, इनकी क्रिएटिन फॉस्फेट, ग्लाइकोलिसिस एंड एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, थर्ड एंड फोर्थ
टेंथ, थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर होगा, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फेट जो है मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपी का सोर्स हो सकता है, ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो एटीपी का सोर्स हो सकता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, एसिटिल कोलाइन जो है ये एटीपी का सोर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। दो कॉलम दिए हैं, यहाँ पर डिजीज है और यहाँ पर जो है कॉलम में उसके अफेक्टेड ऑर्गन्स है। तो कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का अफेक्टेड ऑर्गन्स है आइज, जॉन्डिस का अफेक्टेड ऑर्गन्स लिवर, डायबिटीज का है पेनक्रियाज एंड ऑर्थराइटिस का है बोन्स। तो सही जो है इस तरह से मैच हो जाएगा। तो देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से आइडेंटिफाई करने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, सही मैच कौन सा है। कैटरेक्ट यानी कि फर्स्ट के लिए सेकंड, तो फर्स्ट के लिए सेकंड यहाँ पर है एंड यहाँ पर ए और बी में है। जॉन्डिस के लिए लीवर यानी कि सेकंड के लिए थर्ड, तो सेकंड के लिए थर्ड यहाँ पर भी है और इस वाले में भी है, बी ऑप्शन में भी। डायबिटीज यानी थर्ड के लिए फोर्थ, तो थर्ड के लिए फोर्थ यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। तो इतने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और आर्थराइटिस के लिए है फर्स्ट बोन्स। तो इस क्वेश्चन का सही मैच जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट यानी प्रोटीन जिसमें दिए हुए हैं विद लिस्ट सेकंड जिसमें प्रोटीन का टाइप दिया हुआ है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन में कोड दिए हुए हैं, सही वाले को आइडेंटिफाई करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में ऑप्शन ए जो है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन किस तरह की प्रोटीन है, प्लांट प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन? तो एल्ब्यूमिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसलिए फर्स्ट के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा फोर्थ। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो है होती है एक तरह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, सही मैच हो जाएगा थर्ड। मायोसिन, मायोसिन जो है एक फाइबरस प्रोटीन है, यानी कि ये जो है मसल्स में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा सही मैच। एंड ग्लूटेलिन्स जो है ये एक प्लांट प्रोटीन है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो 4321, तो 4321 जो है उसका कोड है यहाँ पर ऑप्शन बी में, 4321, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं, टी आर एन ए, एम आर एन ए, आर आर एन ए, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, इसको मैच कराना है कॉलम सेकेंड से। तो टी आर एन ए जो पहला है, लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, या ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ राइबोसोम। तो ए के लिए यानी टी आर एन ए के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है कॉलम सेकंड में वो है फोर्थ। टी आर एन ए का रोल है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ राइबोसोम। बी है एम आर एन ए, एम आर एन ए का जो रोल है वो है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी इसके लिए सही ऑप्शन होगा टू। राइबोसोमल आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए का लिए करेक्ट मैच जो है वो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में ये प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए हो जाएगा थर्ड। एंड पेप्टाइड ट्रांसफरेज का जो रोल है वो है लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड यानी फर्स्ट, तो सही जो कोड होगा वो है 4231। तो 4231 जो है वो ऑप्शन ए में है, 4231 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉलम से मैच कराना है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड से। ए है स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ टाइनी सिक्रेटरी वेसिकल्स दैट स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि टाइनी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल की स्पेशल क्लास जो अपने पास न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करके रखती है उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस या सिक्रेटरी वेसिकल्स? ये रॉन्ग जो है यहाँ पर टाइप हुआ है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है या कनेक्टिव सिक्रेटरी पाथवे। तो इसके लिए सही ऑप्शन ए के लिए हो जाएगा थर्ड, यानी कि स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ टाइनी सिक्रेटरी वेसिकल्स जो अपने पास न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर करती हैं उन्हें कहेंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स। सेकंड है पाथवे फॉर एक्सोसाइटोसिस दैट ऑपरेट्स कॉन्टिन्यूअसली इन ऑल सेल। तो इसके लिए सही जो आंसर होगा वो हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे यानी फोर्थ, तो यहां पर आ जाएगा फोर्थ, टी फोर हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इन विच मॉलिक्यूल्स डेस्टिनी टू बी एक्सपोर्टेड आर स्टोर्ड प्रायर टू रिलीज, यानी कि ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जिनमें कुछ मॉलिक्यूल जो है वो स्टोर हो जाते हैं और उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले वहां पर स्टोर रहते हैं, तो ऐसी वेसिकल्स को कहा जाता है सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो सी के लिए हो जाएगा टू।
एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो 3421, तो 3421 जो है वो सी में सही कॉम्बिनेशन है, 3421, तो राइट आंसर हो जाएगा 3421, ऑप्शन सी। तो डियर एस्पिरेंट्स, लाइफ साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आज हमने यूसेट 2015 के लाइफ साइंस के पेपर सेकंड को सॉल्व किया है। इसमें लगभग हमने 35 टू 36 क्वेश्चन को इंक्लूड किया था जो बड़े इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। बाकी इस वीडियो को बहुत लंबा ना बनाते हुए आज सेकंड पेपर का जो सॉल्व वाला वीडियो है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही यानी कल तक आपको इसी 2015 यूसेट का पेपर थर्ड जो है सॉल्व करके इस वीडियो सीरीज में हम इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें, बहुत जल्दी ही यूसेट 2015 का लाइफ साइंस का पेपर थर्ड सॉल्व करके इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।